चुनाव के दौरान कई प्रकार की चुनौतियां सामने आएंगी, लेकिन उन चुनौतियों से लड़ना और चुनौतियों को समाप्त करना ही भाजपा कार्यकर्ताओं का उद्देश्य होना चाहिए। हमें सिर्फ कमल फूल को देखना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करना है। इसी लक्ष्य को लेकर सभी कार्यकर्ता चुनावी तैयारी में जुट जाएं। ये बातें भाजपा नेत्री सह चुनाव संयोजक बबीता झा ने कही। मौका था भाजपा जिला महिला मोर्चा की बैठक का। सोमवार को जिला अध्यक्ष नीना शर्मा की अध्यक्षता में जामताड़ा जिला पार्टी कार्यालय में भाजपा महिला मोर्चा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य लोकसभा चुनाव में वोट का प्रतिशत बढ़ाना है, अधिक से अधिक मतों का लीड भाजपा प्रत्याशी को दिलवाना है। मौके पर जिलाध्यक्ष नीना शर्मा ने कहा कि प्रत्येक बूथ पर पहुंचना है और मातृशक्ति को जागृत कर वोट के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने तमाम पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि प्रत्येक बूथ पर पहुंचें और मातृशक्ति को वोट के लिए जागृत करें। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है, कार्यकर्ता एक साथ है हम लोग, और जहाँ भी मातृशक्तिगण उपस्थित रहती है और एक साथ होकर काम करती है वो जीत हासिल कर ही लेती है। और आशा नहीं, उम्मीद है कि हम लोग इस बार 400 पार करेंगे और इस बार भी पुनः भी हमारे मोदी श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और उनको जिताने के लिए हम लोगों को जितना भी जी जान लगाना पड़े हम लोग करेंगे। चुनौती का सामना करने में ही भारतीय जनता पार्टी जो है विश्वास करती है, और दुमका लोकसभा इस बार फिर से हम लोग जीत रहे हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और जहाँ तक चुनौती की बात है तो हर क्षेत्र में, किस क्षेत्र में चुनौती नहीं है, सभी क्षेत्र में चुनौती है, लेकिन चुनौती का सामना करना पड़ता है और हम लोग चुनौती का सामना करने के लिए ही उतरे हैं। न्यूज़ विंग के लिए जामताड़ा से अजीत कुमार की रिपोर्ट।